दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में दोस्तों इस वीडियो में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर तीन में विज्ञान का पेपर हल करेंगे प्यारे बच्चों आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में लिए गए हैं आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर दिखेगा एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आइए शुरू करते हैं वीडियो को और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है सेल्सियस तापक्रम पैमाने में ताप के परम शून्य का मान होगा ऑप्शन है जीरो डिग्री सेंटीग्रेड दूसरा ऑप्शन है प्लस दो सौ तिहत्तर डिग्री सेंटीग्रेड और थर्ड ऑप्शन है सौ डिग्री सेंटीग्रेड फोर्थ ऑप्शन है माइनस दो सौ तिहत्तर डिग्री सेंटीग्रेड तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन माइनस दो सौ तिहत्तर डिग्री सेंटीग्रेड इसको परम शून्य ताप कहा जाता है नाइन्टी टू नंबर क्वेश्चन दिया गया है सौ न्यूटन के बल द्वारा पाँच वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब होगा ऑप्शन फर्स्ट है पाँच सौ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ऑप्शन सेकेंड है सौ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ऑप्शन थर्ड है बीस न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ऑप्शन फोर है दो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर सही जवाब क्या है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखें तो आप सभी लोग जानते हैं दाब P बराबर होता है F अपान A जहां F आपका बल होता है और A आपका क्या होता है क्षेत्रफल होता है तो P दाब बराबर F का मान यहां पर सौ दिया गया है और P का मान निकालना है और यहां पर A का मान यानी क्षेत्रफल दिया गया है पाँच तो इसको आप काट देंगे पाँच कम पाँच और बीस पंचे सौ तो बीस न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आपका सही जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर तिरानवे नंबर क्वेश्चन दिया गया है तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण परावर्तन के कारण ध्रुवण के कारण या फोर्थ ऑप्शन है प्रकीर्णन के कारण तो इसका बच्चों सही आंसर है अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं फर्स्ट ऑप्शन सही है नाइन्टी फोर नंबर क्वेश्चन दिया गया है स्वस्थ आंख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी होती है पैंतीस सेंटीमीटर पंद्रह सेंटीमीटर पच्चीस सेंटीमीटर या फिर पच्चीस मीटर इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन पच्चीस सेंटीमीटर होती है न्यूनतम दूरी अगर अधिकतम दूरी की बात करेगा तो आपको अनंत लगाना है ध्यान रखेंगे न्यूनतम दूरी पच्चीस सेंटीमीटर और अनंत हो जाती है आपकी अधिकतम दूरी नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचानवे नंबर विद्युत धारा मापते हैं वाट में एम्पियर में कोलाम में या फिर ओल्ट में तो विद्युत धारा मापने के लिए एम्पियर का प्रयोग किया जाता है सेकेंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा नाइन्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन दिए गए विद्युत परिपथ के चित्र में प्रतिरोध तार है तो प्रतिरोध बताना है ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट ऑप्शन डी यहाँ पर देखो डी बना हुआ है इसमें ए बी सी डी ये आपके चार चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं कौन सा प्रतिरोध तार है ये बताना है तो ऑप्शन देख लीजिए एक फर्स्ट ऑप्शन है डी सेकंड ऑप्शन है बी थर्ड ऑप्शन है सी और फोर्थ ऑप्शन है ए तो यहाँ पर जो आपका बी दिया गया है इसको कुंजी कहा जाता है क्या कहते हैं कुंजी कहा जाता है इसको ध्यान रखेंगे और जो सी ऑप्शन दिया गया है इसको बैटरी कहा जाता है क्या कहते हैं बैटरी कहा जाता है और बैटरी से संबंधित तो एक क्वेश्चन आपका बन चुका है जो प्लस वाला निशान होता है इसकी जो रेखा होती है वो सबसे बड़ी होती है माइनस की अपेक्षा ठीक है तो माइनस की अपेक्षा इसमें देखो दो डंडी हैं एक ये और एक ये छोटी और बड़ी तो छोटी वाली माइनस की होती है और प्लस वाली बड़ी होती है इसको आप ध्यान रखेंगे तो ये बैटरी का निशान है सी में डी में आपका अमीटर या ओल्ड मीटर लगा दिया जाता है और ए आपका प्रतिरोध दिया गया है तो राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सत्तानबे नंबर दिया गया है अधीप्त वस्तु का उदाहरण है दर्पण बल्ब लैम्प या फिर तारा तो अधीप्त वस्तु कौन सी है जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता तो इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन दर्पण इस ये क्या है अधीप्त वस्तु है इसके अलावा चंद्रमा का अगर नाम लिया जाए तो चंद्रमा भी आपका अधीप्त वस्तु हो जाती है एक बार ये क्वेश्चन उदाहरण देकर पूछा गया है आपसे तो इसको ध्यान रखेंगे कैंची किस प्रकार की लीवर होती है लीवर का मतलब है वो किस प्रकार का है प्रथम प्रकार द्वितीय प्रकार तृतीय प्रकार या इनमें से कोई नहीं तो कैंची प्लायर और ये सब जो है आपके प्रथम प्रकार के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा निन्यानवे नंबर क्वेश्चन है उत्प्लावन सिद्धांत की खोज किसने की थी आर्किमिडीज न्यूटन गैलीलियो या फिर एडिसन तो इसमें सही आंसर हो चुका है फर्स्ट ऑप्शन आर्किमिडीज ने उत्पलान उत्प्लावन सिद्धांत की खोज की थी नेक्स्ट क्वेश्चन है सौ नंबर एक प्रकाश वर्ष की दूरी क्या है तो इसमें बच्चों सही आंसर क्या है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखें आंसर आपके सामने है तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नाइन पॉइंट फोर सिक्स बुढ़े दश की पावर माइनस प्लस बारह किलोमीटर तो थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा नाइन पॉइंट फोर सिक्स की पावर बारह किलोमीटर एक सौ एक नंबर क्वेश्चन है मार्स गैस है सी टू एच सिक्स सी एच फोर सी टू एच फोर या फिर सी टू एच टू तो मार्स गैस को मिथेन गैस यानी मिथेन गैस को मार्स गैस कहते हैं तो मिथेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सी एच फोर एक सौ दो नंबर क्वेश्चन है एल पी जी में गंध के लिए मिलाया जाता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एथिल एल्कोहल मेथिल एल्कोहल पोलियम या फिर एथिल मार्केपटन एक सौ दो नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों फोर्थ ऑप्शन एथिल मरकेप्टन मिलाते हैं जिसकी वजह से उसमें क्या आती है गंध आती है एक सौ तीन नंबर है उपधातु कौन सी है मरकरी एल्युमिनियम एंटीमनी या फिर मैग्नीशियम सही आंसर बच्चों है थर्ड ऑप्शन एंटीमनी ये आपका उपधातु होती है ध्यान रखेंगे इसको एक सौ चार नंबर क्वेश्चन है सभी अम्लों में उपस्थित रहने वाला तत्व है ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कैल्शियम तो सभी अम्लों में कौन सा तत्व उपस्थित होता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों हाइड्रोजन हाइड्रोजन सभी अम्लों में उपस्थित होता है परिभाषा ही होती है इसको परिभाषा से समझ सकते हैं कि परिभाषा होती है ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर H+ प्लस आयन देते हैं कौन सा आयन H+ प्लस आयन देते हैं तो जब उसमें हाइड्रोजन उपस्थित होगा तभी तो H प्लस आयन देगा तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वाशिंग सोडा यानी धावन सोडा या फिर वाशिंग सोडा का जलीय विलयन होता है अम्लीय उदासीन छारी या अम्लीय तथा छारी दोनों तो वाशिंग सोडा या धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है आप सभी को पता है यानी टू सी ओ थ्री होता है तो उसमें जो है छारी माध्यम होता है इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा छः नंबर क्वेश्चन है पीतल में होता है तांबा जस्ता तांबा व लोहा सोना व पारा सोना व तांबा तो इससे संबंधित आपको ध्यान रखना है जो आपकी ये मिश्र धातुएँ होती हैं इससे संबंधित एक प्रश्न आपका बनेगा तो तांबा और जस्ता जिससे मिलकर जो है आपका पीतल बना होता है तो फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इसके अलावा शोल्डर और कांसा कैसे बनाए जाते हैं इन सभी बातों को आप याद कर लीजिए एक सौ तो सात नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है तो नीले लिटमस को लाल कर देता है ऐसा कौन है साल्ट वाटर लेमन जूस सोडा वाटर सोडियम बाई कार्बोनेट का सल्यूशन तो नीले लिटमस को लाल करने वाले अम्ल होते हैं क्या होते हैं अम्ल होते हैं इसमें अम्ल क्या अनुसार दिया गया है तो लेमन जूस लेमन जूस का मतलब नींबू का रस तो नींबू का रस क्या है अम्ल है और अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं तो सेकेंड ऑप्शन सही है एक सौ आठ नंबर है चीनी का घोल किस प्रकार का मिश्रण है सॉलिड प्लस गैस लिक्विड प्लस गैस सॉलिड प्लस लिक्विड या सॉलिड प्लस लिक्विड प्लस गैस तो ये बच्चों हैं सॉलिड प्लस लिक्विड ठीक है लिक्विड आपका पानी हो जाता है चीनी आपका क्या है ठोस हो जाता है सॉलिड हो जाता है इसलिए सॉलिड और लिक्विड का मिश्रण हो जाता है एक सौ नौ नंबर है कौन सा पदार्थ थर्मोप्लास्टिक नहीं है पीवीसी पॉलीथीन में मेथेमाइन या पॉलीस्ट्राइस्टाइरिन सही आंसर जो थर्ड ऑप्शन है मेथेमाइन थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर एक सौ दस नंबर है जल हिमांक और कोथनांक बिंदु क्रमशः क्या है तो जल का हिमांक बिंदु और कोथनांक बिंदु कित, कितना होता है आपको बताना है तो एक सौ दस का जो सही आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन जीरो डिग्री सेंटीग्रेड ये आपका हिमांक बिंदु होता है और क्वनांग बिंदु आपका होता है सौ डिग्री सेंटीग्रेड हिमांक का मतलब होता है बर्फ़ के रूप में ठोस के रूप में बन जाता है जम जाता है और सौ डिग्री का मतलब होता है जो क्वनांग बिंदु होता है इसका मतलब है इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर ये उबलने लगता है एक नंबर क्वेश्चन है पाँच जून किस दिन के रूप में मनाया जाता है विश्व वन दिवस विश्व पर्यावरण दिवस विश्व पशु दिवस या विश्व जल दिवस तो सही आंसर बच्चों है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में पाँच जून को मनाया जाता है एक नंबर क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है क्लोरोक्विन एस्परिन मारफीन या फिर पेंसिलीन तो इसका जो सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन क्लोरोक्विन एक नंबर क्वेश्चन है सबसे शुद्धतम जल कौन सा है समुद्री जल वर्षा का जल नदी का जल या फिर कुएँ का जल तो सबसे शुद्धतम जल ये वर्षा का जल होता है सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा एक सौ चौदह नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिक है क्लोरोफाम जल सोडियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट तो कार्बनिक यौगिक है बच्चों आपका क्लोरोफाम ये फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है आप सभी लोग इनका रासायनिक सूत्र अगर इनके सबके आते हैं तो आपको तुरंत जानकारी हो जाएगी जिसमें कार्बन हो वो आपका हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ तो जल जो होता है एच टू होता है सोडियम क्लोराइड एन सी एल होता है एक सौ पंद्रह नंबर क्वेश्चन है सिनकोना के किस भाग से मलेरिया की दवा बनाई जाती है बीज पत्ती छाल या फिर पुष्प तो सिनकोना के छाल से जो है मलेरिया की दवा बनाई जाती है थर्ड ऑप्शन सही है एक सौ सोलह नंबर है मूल रोम पाई जाती है तना में पत्ती में कली में या फिर जड़ में तो मूल रोम बच्चे जो है आपका जड़ में पाया जाता है फोर्थ ऑप्शन सही है मूल रोम किस में पाया जाता है जड़ में पाया जाता है मूल रोम होता गया है जड़ है जैसे मान लो ये मूसला जड़ होती है आपकी तो मूसला जड़ में छोटी छोटी नीचे जो है सफ़ेद तफेद संरचनाएँ होती हैं जो जल को अवशोषित करती हैं तो वो आपके मूल रोम होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सत्रह नंबर किस विटामिन की कमी से रुधिर का थक्का बनना प्रभावित होता है तो रुधिर का थक्का बनना प्रभावित होता है विटामिन के विटामिन ए विटामिन डी या फिर विटामिन बी तो सही आंसर है विटामिन के कमी से रुधिर का थक्का जमने में दिक्कत होती है और विटामिन ए से जो है क्या होता है तो रतौंधी नामक रोग हो सकता है विटामिन ए की कमी से आँखों पर प्रभाव पड़ता है विटामिन बी से बेरी बेरी रोग हो जाता है और विटामिन डी कमी से रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नंबर क्वासर कोर रोग किस कमी के कारण होता है वसा तथा प्रोटीन कार्बो तथा प्रोटीन वसा या फिर प्रोटीन तो सही आंसर बच्चों है आपका फोर्थ ऑप्शन प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है नंबर है किस रुधिर वर्ग में प्रतिजन अनुपस्थित होता है रुधिर वर्ग ए बी ए बी या फिर ओ तो चार वर्ग हैं इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही है ओ वर्ग में जो है प्रतिजन अनुपस्थित रहता है एक सौ बीस नंबर क्वेश्चन है रोहू का संबंध है तो रोहू क्या है एक मछली है और मत्स्य पालन क्या होता है नीली क्रांति से संबंधित होता है तो इसका फर्स्ट ऑप्शन संबंधित हो जाएगा रोहू का संबंध किससे होगा तो नीली क्रांति से संबंधित हो जाएगा इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है रजत क्रांति से संबंधित क्या होता है तो अंडा उत्पादन संबंधित होती है रजत क्रांति स्वेत क्रांति दूध उत्पादन और हरित क्रांति कृषि उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि इसके बाद देखो एक सौ इक्कीस नंबर है संकटग्रस्त जातियां हैं तो हिरण खरगोश ऊंट और भेड़ तो ये संकटग्रस्त जनजात जाति होती है बच्चों हिरण हिरण क्या है एक संकटग्रस्त जाति है और इन संकटग्रस्त जातियों की जो सूची है वो रेड डाटा बुक के अंतर्गत होती है ध्यान रखेंगे और रेड डाटा बुक को कौन जारी करता है तो आई यू सी एन ये एक संस्था है जो रेड डाटा बुक जारी करती है जिसमें लुप्त प्राय जंतुओं और संकटग्रस्त जातियों की सूची दी रही होती है एक सौ बाईस नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक पौधा है अमरबेल बांदा यूट्री कुलेरिया लाजवंती तो इसमें बच्चों आपका सही आंसर हो जाएगा कीटभच्छी पौधा जो है ये आपका यूट्री कुलेरिया होता है थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा अमरबेल और बांदा ये परजीवी पौधे होते हैं इसको भी आप ध्यान रखेंगे अमरबेल और बांदा ये परजीवी पौधे होते हैं लाजवंती जो होता है संवेदनशील पौधा होता है इसको छूने पर इसकी पत्तियां जो है संवेदनशील संवेदनशीलता अनुभव करती हैं ठीक है इसको छुई म्यू भी कहा जाता है छुई म्यू का पौधा ठीक है तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तेईस नंबर है अग्न्याशय द्वारा कौन सा हारमोन्स उत्पन्न किया जाता है इंसुलिन थारॉक्सिन टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन तो इसमें बच्चों सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन इंसुलिन नामक हारमोन्स जो है स्रावित होता है अग्न्याशय से थाइराक्सिन ये थायराइड ग्रंथि द्वारा जो है स्रावित होता है एस्ट्रोजन ये आपकी जो है एक प्रकार से स्त्री हारमोन होता है और ये टेस्टोस्ट्रोन ये पुरुष हारमोन होता है इसको भी आप ध्यान रखेंगे एक सौ चौबीस नंबर क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी और पेलेग्रा रोग होता है विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी या फिर विटामिन डी तो पेलेग्रा और बेरी बेरी तो आप बेरी बेरी समझ करके बता सकते हैं विटामिन बी की कमी से पेलेग्रा और विटामिन बी होता है एक सौ पच्चीस है निम्नलिखित में से किससे कार्ड चिकनगुनिया डेंगू स्वाइन फ्लू होता है प्रोटोजोआ विषाणु जीवाणु या फिर कवक तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही है विषाणु के द्वारा क्या होता है ये सभी रोग हो जाते हैं तो ये रहे बच्चों आपके 125 तक के प्रश्न जो विज्ञान से संबंधित थे इसके अलावा और चैनल के माध्यम से आप प्ले में जाकर देख सकते हैं सबकी प्ले आपकी अलग अलग बनी हुई हैं तो आज की वीडियो में बतना ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे इसके अलावा यदि आप यूपी बोर्ड संबंधित कोई सूचना या फिर आप आगे की पढ़ाई कक्षा नौ और दस में करना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोल्डन पाठशाला टू को भी सब्सक्राइब कर लें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम